किसे पता था आज का सफर आखिरी। इस ट्रेन पर मौजूद पैसेंजर कोई अपने घर से जा रहे थे, कोई आ रहे थे, एक दूसरे से अपने परिवार से बातें करते हुए हंसते सोते खाते सफर का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक जब कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर रंगापान पहुंचते हैं, पीछे से मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को हिट करती है और पीछे की 4 डिब्बे हवा की तरह इधर उधर उड़ाकर टूट फूट हो जाती है। सारे सपने, सारे इच्छा सब ध्वज नष्ट। इस दौरान कितनों ने अपने बेटे को खोया, कितनों ने अपनी बेटी को, किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपने बच्चे को, पूरी तरह अंधकार सन्नाटा रोम रोम काटने लगता है। दृश्य किसी के जी में जी नहीं, जिस तरह सूरज उगता है फिर डूबता है, इसलिए पवित्र बाइबल कहता है जब पाप पाप मृत्यु भी नहीं अनाज्ञाकारी के हकाने के पाप पाप इस दुनिया में प्रवेश तब मृत्यु भी आने। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है जो यीशु में मरे वे अनंत अनंत यीशु मसीह के साथ राज्य के बाद पृथ्वी का जीवन सालों के केवल क्षणिक जीवन परंतु आत्मा एक महिमित देह के साथ पर यीशु के साथ रहें। इसलिए सारे संसार के लोग यीशु पर विश्वास करें, वह सबका प्रभु है।